Okay, hello everyone. Uh, today we are going to begin with lecture two of the topic geography that we were studying in the previous lecture, human environment and settlement. And by the previous lecture, we had covered till types of settlement, which we have four settlement. Human settlement, and also we had studied modes of transportation. Now today we are going to begin with communication. Now when we talk about human beings. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोथ गो हैंड इन हैंड द रीज़न इज बिकॉज कम्युनिकेशन रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस तो हमारे पास जब भी कम्युनिकेशन होगा तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी एक पार्टी वो है जो कि सेंडर है और दूसरी पार्टी वो है जो कि रिसीवर है वंस यू सेंड द मैसेज द मैसेज कम्प्लीट टिल द टाइम आप उसको कम्प्लीट तभी बोल सकते हो या आप अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी हुई तभी, तभी मान सकते हो जब सेंडर ने तो सेंड कर दी एंड रिसीवर इंटरप्रेट्स दैट मैसेज राइट सो कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ क्लियर इंटरप्रिटेशन और अ क्लियर ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पार्टी टू अनादर इट द मैसेज कैन बी इन एनी फॉर्म वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है मे बी हम एक लेटर के फॉर्म में लिख के दें वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हम फोन पर किसी से बात करते हैं वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वी आर सेंडिंग इन एन ई मेल दैट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन राइट प्लस हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि वन टू वन कम्युनिकेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप एक लार्जर पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हो लार्जर पॉपुलेशन को सेम मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो बेस्ट एग्जांपल वी कैन सीज दैट हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं एडवर्टीज़मेंट ठीक है एडवर्टीजमेंट जो है वो एक चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा है जितने लोग उस समय पर उस चैनल को देख रहे हैं वो सभी लोग उस मैसेज को देखेंगे या उस मैसेज को समझेंगे समझने की कोशिश करेंगे वन एग्जांपल सेकंड हम मूवी uh, थिएटर्स में जाते हैं तो मूवी थिएटर्स में जनरली मूवी शुरू होने से पहले एक कोई भी गवर्नमेंट कोई भी सोशल मैसेज देती है या कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो मास कम्युनिकेशन न्यूज़ न्यूज Newspaper is again a form of mass communication. So there are multiple forms in which they can, there can be mass communication and at the same time personal one-to-one -one communication will move for the कम्युनिकेशन का मतलब हमारे पास ये डेफिनेशन दे रखी डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट यू कैन अंडरलाइन कि सेंडिंग मैसेजेस एंड आइडियाज फर्स्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो ये तो हो गया पर्सन टू पर्सन ठीक इसका अदर क्राइटेरिया क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं वी आर लिविंग इन एन सर्टन टाइप ऑफ सेटलमेंट तो डेफिनेट सी बात है कि हम लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते राइट इट इज इट इज़ गोइंग इन सेन इफ यू लिव इन आइसोलेशन तो हम लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना या मैसेजेस को uh, किसी भी तरह की बात करना या कम्युनिकेट करना ज़रूरी है पुराने टाइम में ये जो मैसेजेस थे ये बर्ड्स के थ्रू सेंड मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम वेन देर वाज डायनेस्टीज का रूल जब हुआ करता था किंग्स का रूल हुआ करता था उस टाइम पर ये मैसेजेस बर्ड्स के थ्रू सेंड करे जाते थे या फिर पर्सनली देर वर मैसेंजर्स हु आर हायर्ड स्पेशली फॉर दिस पर्पज हु यूज टू सेंड देम ठीक तो मैसेंजर का जो काम था वो यही था कि एक जगह से दूसरे संदेश लेकर जाना है तो कम्युनिकेशन थ्रू मेल दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन द बिगनिंग ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी ई मेल्स की यहाँ पर बात हो रही है बाद में ई e मेल्स के अलावा और पुराने टाइम में टेलीग्राफ टेलीग्राम टेलीफोन दे इज ऑल्सो बिकेम वेरी हैंडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन हुआ तो प्रिंटिंग प्रेस एक्चुअली डिड नाट स्टार्ट इन इंडिया ये यूरोप से आई है यूरोप में आ, एक जगह थी एंड अ पर्सन हु इज़ नोन फॉर ब्रिंगिंग इन द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन गुटिनबर्ग नाम था उनका जोन गुटिनबर्ग जो कि प्रिंट रेवोल्यूशन लेकर आए थे यूरोप में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी निकाली थी दैट वी कैन डू मल्टीपल प्रिंटिंग और हम मल्टीपल बुक्स को या मटेरियल को प्रिंट कर सकते हैं उनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू ठीक है वो टेक्नोलॉजी बाद में स्प्रेड होते होते डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड में गई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड में स्प्रेड होना शुरू हुई एंड विद दिस प्रिंट रेवोल्यूशन केम इन तो उससे प्रिंट मीडिया अपने पास सामने आया प्रिंटेड मटेरियल सामने आने लग गया नाउ डेज इनफैक्ट प्रिंट को भी पीछे छोड़ दिया है हमने रडार सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर अपन लार्जली डिपेंडेंट है राइट द डिश टीवीज़ दैट वी आर यूजिंग तो डिश टीवी किसका एग्जांपल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जांपल है टेल द टेलेक्स फैक्स ईमेल सेलफोन कंप्यूटर्स दीज ऑल एक्चुअली हैव रेवोल्यूशनराइज द सिस्टम एंड जितना ज़्यादा फास्ट कम्युनिक ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहे हैं उसी रेट पर कम्युनिकेशन का जो प्रोग्रेस है या कम्युनिकेशन का जो पेस है वो भी उसी रेट से डेवलप हो रहा है वी मूव फर्दर वी मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक ठीक है अपने पास ये कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जो कि डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं तो आप, आपके पास पहला जो कीवर्ड दे रखा है वो न्यूक्लिएटेड पैटर्न का दे रखा है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न जो हमने पढ़ा था जो कि एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्लस्टर की बात करते हैं ग्रुप की बात करते हैं टुगेदर ठीक है नाम है न्यूक्लिएटेड पैटर्न न्यूक्लियर बट स्टिल लिविंग इन एन क्लस्टर ठीक है सिंगल सिंगल यूनिट है बट स्टिल लिविंग इन एन क्लस्टर नेक्स्ट वी हैव द लीनियर पैटर्न लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो पैटर्न अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज द लीनियर पैटर्न नेक्स्ट वी हैव द सर्कुलर पैटर्न तो जो सर्कुलर पैटर्न है इसमें देर इज अ पॉन्ड इन बिटवीन एंड अराउंड दैट अगर हम लोग कोई सेटलमेंट देखते हैं तो उसके आसपास ही होगा एंड इट फॉर्म्स लाइक अ सर्कल तो इसको हम सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं नेक्स्ट वी हैव रेडियल पैटर्न जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन्स में अगर सेटलमेंट हुआ हुआ है तो उसको रेडियल एंड देन वी हैव डिस्पर्स डिस्पर्स का मतलब इन अन स्कैटर्ड फॉर्म राइट सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर ह्यूमन एन्वायरमेंट एंड सेटलमेंट वील बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू